हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको देखिए, जेपी यूनिवर्सिटी जो आपका छपरा में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 23-25 का कोर्स वन जो आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, उसका वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए, आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होगा। दूसरी चीज़ है कि अभी तक कोई लोग नोट्स नहीं लिए होंगे, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे। 95-76-00-2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 95-76-00-2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझ गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है जेपी यूनिवर्सिटी छपरा बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन 2024, सेशन हो गया आपका 23-25, कोर्स वन चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। देखिए, आपको 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है। एक क्वेश्चन 16 नंबर का होता है, 80 नंबर का पेपर होता है, 20 नंबर का आपका थ्योरी है, समझे। तो देखिए, यूनिट वन में आपका जो वीवीआई क्वेश्चन है, इरिक्सन का थ्योरी आएगा ही आएगा, समझे। तो इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का वर्णन करें, यानी साइको सोशल थ्योरी ऑफ इरिक्सन, यानी इरिक्सन का सामाजिक विकास का सिद्धांत का वर्णन। इसका वीडियो भी यूट्यूब पर डाला हुआ है, नोट्स लेना होगा तो व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। सभी कोर्स का, कोर्स वन से लेकर आपका मेथड 7A तक, सभी EPC वगैरह सबका नोट्स मिल जाएगा, समझ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता एवं इसके आयाम को लिखे, समझे। तो बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता और इसके आयाम के लिखे। देखिए, आपके एग्जाम में तो वहाँ पर फाइनल एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, समझ गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें, समझ गए। तो 3 क्वेश्चन यूनिट वन में पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, समझ गए। इरिक्सन का सिद्धांत, बाल्यावस्था के प्रमुख विशेषता एवं इसके आयाम, और एक्स्ट्रा में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का वर्णन करें, समझ गए। अब आते हैं यूनिट टू में। क्वेश्चन है कि इसे किशोरावस्था से क्वेश्चन आता है कि किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, समझ गए। यानी किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख, यानी किशोरावस्था के प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, समझ गए। चौथा क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की क्या क्या समस्या है, मानी किशोरावस्था की क्या क्या समस्याएँ होती है। जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो क्या क्या समस्या होती है, इन समस्याओं के निराकरण में परिवार एवं शिक्षकों की भूमिका का वर्णन करें, समझ गए। यानी जो समस्या आता है, समझे, यानी किशोरावस्था में जो जो समस्या आता है, उस समस्या के निराकरण में परिवार और शिक्षकों की क्या भूमिका है, उसको लिखना है, समझ गए। तो यूनिट टू में आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए तथा इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखिए, और चौथा हो गया किशोरावस्था की क्या क्या समस्या है, इन समस्याओं के निराकरण में परिवार एवं शिक्षकों की क्या भूमिका है, समझ गए। अब एक्स्ट्रा में एक क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, या देखा वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और विकास के विभिन्न सिद्धांतों को लिखें, समझ गए। तो वही है कि वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं या क्या अंतर है, इसके प्रमुख सिद्धांतों को लिखिए। तो ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा यूनिट टू में, इसी से आपका क्वेश्चन एग्जाम में है। सब का वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नहीं नोट्स लेना होगा तो 95-76-00-2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। कुछ पेमेंट करके आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझ गए। अगला है यूनिट थर्ड है कि समाजीकरण से आप क्या समझते हैं, परिवार समाजीकरण के प्रमुख संस्था है, कैसे वर्णन करें, समझ गए। यानी समाजीकरण, व्हाट इज सोशलाइजेशन, परिवार समाजीकरण के प्रमुख संस्था है, वर्णन करें, समझ गए। छठा क्वेश्चन है कि समाजीकरण में विद्यालय समुदाय की भूमिका का वर्णन करें, यानी समाजीकरण में विद्यालय और परिवार की क्या भूमिका होती है, इसका वर्णन करें। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि लिंग पहचान से आप क्या समझते हैं। तो यूनिट थर्ड में समाजीकरण अच्छा से पढ़ लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, समझ गए। अब आते हैं हम लोग यूनिट फोर में कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, यानी पर्सनालिटी क्या है, इसके मापन के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यानी व्यक्तित्व मापन के विभिन्न विधियों का क्या करना है, वर्णन करना है, समझ गए। आगे है एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है, सॉरी 8वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, समझे। तो ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि धीमी गति से सीखने वाले बालक से आप क्या समझते हैं, इसे कैसे पहचान करेंगे, समझ गए। धीमी गति सीखने वाले बालक का आप कैसे पहचान करेंगे, तो इसको, इसके 3 क्वेश्चन आप इसमें आपको करना है, समझ गए। कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं,
और धीमी गति से सीखने वाले बालक से क्या समझते हैं इसकी पहचान करें। तो यूनिट जो 4 है इसमें एक करना है। लास्ट यूनिट है आपका, इसमें पहचान निर्माण से क्वेश्चन आता है कि पहचान निर्माण में मीडिया प्रौद्योगिकी तथा वैश्वीकरण का योगदान बताइए। और 10वां क्वेश्चन है कि पहचान निर्माण के प्रमुख निर्धारकों का वर्णन करें। समझ गए, इतना कर लीजिएगा, इसमें 2 ही क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, समझे, आपका इसी से आपका काम चल जाएगा। समझ गए, तो इतना क्वेश्चन कीजिएगा आपका हो जाएगा। नोट्स लेना होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको सभी कोर्स का नोट्स मिल जाएगा बहुत कम पेमेंट पर, 95 76 00 24 01 पर। समझ गए, थैंक यू।